गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 तक, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे हम लोग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर, और वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 36? रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू लाना है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लाना है। तो हम लोग चलेंगे एलएचएस से। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछते हैं तो कैसे आप बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। LHS में आपको क्या दिया गया है, 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। हमें क्या करना है, सबसे पहले रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए अंदर अंदर हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देंगे। तो उल्टा चिन्ह से हम लोग रेशनलाइज करते हैं ना, तो 1 प्लस cos थीटा से मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपका क्या हो गया, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना। नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ तरीका आप याद रखिएगा। इसको जैसे है आप रहने दिए, क्योंकि मुझे रूट अंडर हटाना, स्क्वायर रहने दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आप ध्यान दीजिए, यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ, टोटल का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और टोटल का होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो गया, आपका कट गया, क्या बच गया, 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बराबर आपका आ गया RHS। चलिए इसमें ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर 37 भी सेम वही क्वेश्चन है ना। तो हम लोग कहां से चलेंगे, LHS से चलेंगे, है ना। LHS में आपका क्या दिया गया है, रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। हम क्या करेंगे, अंदर ही रेशनलाइज करेंगे। तो कितना से करेंगे, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, दो बार है ना लिख दिए। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर रहने दीजिए। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पर मैं क्या करता हूँ, रूट अंडर चढ़ाता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गया, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या आपका आ गया आर एच एस। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिया, क्वेश्चन दिया गया आपका 38 नंबर में, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू लाना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहां से चलेंगे, LHS से चलेंगे, है ना। LHS में क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। रूट अंडर हटाना है तो उसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। कितना से, उल्टा चिन्ह से, नीचे वाले के ना, तो 1 माइनस साइन थीटा से रेशनलाइज कर दिए। ऊपर में आपका क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ऊपर जैसे है रहने दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को मैं क्या करता हूँ, एक साथ, है ना, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और टोटल का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गया, आपका आया क्या, बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या बचा आपका, कॉस थीटा। अलग अलग आप बटा कर दीजिए, तो एक बटे क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या हो गया, कॉस थीटा। कॉस ऊपर जाएगा क्या बनेगा, सेक थीटा, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका क्या आ गया, आर एच एस। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू लाना है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है ना, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हमें सिंगल डिजिट वाला, जैसे 1 प्लस साइन थीटा ऊपर रहता था, लेकिन इस बार क्या है, हमें दिया गया ऊपर नहीं बल्कि नीचे दिया है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा का रेशनलाइज करेंगे। नीचे वाला का रेशनलाइज करते थे ऊपर में गुना ना, अब हम करेंगे ऊपर वाले को नीचे में गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, बस और कुछ नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, LHS में क्या दिया गया है, ना 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन, हमें क्या लाना ये ध्यान दे, ध्यान दीजिएगा। हम पहले करते थे इसका, है ना, इसका रेशनलाइज करते थे, अब करेंगे इसका। तो ऊपर नीचे हम कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि नीचे हमें लाना है 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये पूरे में है। अब ध्यान दीजिएगा,
हम क्या लिख सकते हैं इसे, है ना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा, दोनों को एक साथ लिख देंगे, है ना, क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर, कट गया आपका, अंदर से क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा बराबर आपका आर एच एस। अगर आप क्या करते हैं, वहां वन प्लस साइन थीटा है, अगर हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं वन माइनस साइन थीटा से, तो आपका आंसर उल्टा आ जाता है, तो आपको लगता कि ये क्वेश्चन ही गलत है। जी नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है, रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा, है ना, हमें क्या लाना है, टू सेक थीटा लाना है, तो इसमें दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। चलिए हम लोग कहां से चल जाते हैं, एलएचएस से चल देते हैं। क्या दिया गया है एलएचएस में, दिया गया है वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा प्लस, हमें क्या दिया गया है, रूट अंडर वन माइनस साइन थीटा बटे वन प्लस क्या दिया गया है, साइन थीटा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज करते हैं, है ना, तो वन प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे कितना से गुना कर देंगे हम, वन गुना करेंगे ना, वन प्लस साइन थीटा से गुना करेंगे, वन प्लस साइन थीटा से गुना कर देंगे, प्लस आपका क्या दिया गया है, रूट अंडर। अब इसको आप कीजिए, वन माइनस साइन थीटा बटे कितना दिया गया है, वन प्लस साइन थीटा, गुना कीजिए इसे रेशनलाइज, वन माइनस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसे क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें आइए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिख दूंगा, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं ना। चलिए अब इस दोनों को मैं क्या लिख दूंगा, है ना, वन प्लस साइन थीटा बटे ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस इसका होल स्क्वायर ना, प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ना। चलिए अब आगे थोड़ा सा यहीं पर लिख दूं, चलिए लिख देते हैं, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पीछे क्वेश्चन बना है बहुत सा ऐसा, है ना, होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका क्या होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ये रूट अंडर से स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या, आप थोड़ा सा देख लीजिए, नीचे कर देता थोड़ा सा, है ना, चलिए दिख रहा है ना। चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ना, चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, है ना, बटे में क्या आपका दिया गया कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे क्या है, वन माइनस साइन थीटा बटे में आपका क्या है कॉस थीटा, है ना। चलिए एलसीएम कितना होगा बाबू आपका कॉस थीटा होगा, यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कट गया, टू एक एक दो और बटा में कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, टू कॉस ऊपर जाएगा सेक थीटा बराबर आपका आ गया RHS। चलिए ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर m हो और sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर n हो, है ना, क्या दिया है n हो, तो सिद्ध करें कि m into n is equal to 1 लाना है, है ना। चलिए ध्यान दिए, जो दिया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं ना, क्या दिया है, है ना, दिया है क्या दिया गया आपका sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर m, है ना, तथा तथा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या दिया है n। हम लोग कहाँ से चलेंगे, LHS से चलेंगे, रूट अंडर mn, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, m का मान क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा गुने रूट के अंदर ही है ना sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और एक एक का वर्गमूल एक बराबर क्या आ गया आपका आर एच एस। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, यदि cos थीटा प्लस sin थीटा और एक, तब सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस माइनस एक। हम लोग पढ़े थे ये क्वेश्चंस, है ना, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 56, है ना, जो बना हुआ था। चलिए ध्यान दिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि, है ना, इसमें मान लेते हैं जो हमें निकालना है, हम मान लेते हैं cos थीटा माइनस
साइन थीटा बराबर एक्स इसे समीकरण एक मानते हैं तथा है ना दूसरा हमें क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक है ना इसे क्या मानते हैं दो, यह आपका दिया है। ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं समीकरण एक प्लस दो को है ना वर्ग करके है ना वर्ग करके जोड़ने पर यह पूछता है पांच नंबर में है ना वर्ग करके जोड़ने पर इसलिए क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एलएचएस एलएचएस में इधर क्या है दूसरा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना है एक्स स्क्वायर इधर कितना है एक का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अब इसका कैलकुलेशन आप कीजिए ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया ना। चलिए इसका काम कीजिए तो ये भी हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू है ना ए बी बराबर में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस में टू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में टू कॉस थीटा साइन थीटा कट गया। अब ध्यान दीजिए हम क्या लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा ध्यान दिया कॉस स्क्वायर थीटा है ना और ये आपका है कॉस का थीटा दो है ना साइन स्क्वायर थीटा क्या है दो है हम क्या लिखते हैं दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस भी कितना है दो दो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। इन दोनों में क्या कॉमन है टू यहां पर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक को आप इधर घटा दिए तो एक बराबर आ गया एक्स स्क्वायर एक बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर हम इसी को कह सकते हैं एक्स बराबर कितना प्लस माइनस रूट अंडर वन लिख सकते हैं ना चलिए लिख सकते हैं ना इसलिए इसलिए क्या हो गया ध्यान दीजिएगा इसलिए x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस वन आ गया। अब बताइए x हम किसे माने थे cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर ना तो हम लिख सकते हैं अंत में अतः cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर प्लस माइनस वन हो गया आपका प्रूव्ड। कोशिश करना कि कॉस में हम लाए है ना तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या लिख देंगे साइन थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना इसलिए साइन थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसी का हम लोग फायदा उठाएंगे है ना। अब चलते हम कहां से अब चलते हम लोग एलएचएस है ना कहां चलते हैं एलएचएस एलएचएस बराबर क्या दिया गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया कॉस फोर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए कॉस फोर को कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर का मान हम क्या लिख देंगे साइन थीटा कॉस स्क्वायर का मान हम क्या लिख देंगे साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर क्या आ गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए इतना बराबर कितना है एक है ध्यान दीजिए कहां से दिया है ना इतना बराबर एक है ना ये दिया है ना दिया है ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया हमें इतना ही बराबर लाए ना आपका क्या गया? एक आ गया प्रूव्ड हो गया साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है यदि tan थीटा प्लस sec थीटा और x तो सिद्ध करेंगे sin थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बट x स्क्वायर प्लस 1 है ना आपने एक्सरसाइज 8.1 में बनाया था। ध्यान दीजिए ये सब क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है ना। चलिए सबसे पहले जो दिया है उससे हम लिख लेते हैं ना क्या है दिया है क्या दिया है बाबू ध्यान दीजिए हमें दिया है हम इसे लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x लिख सकते हैं। चलिए इसे मैं मान लेता हूं समीकरण एक पहले sec लिखो या tan लिखो बात एक ही है। अब ध्यान दीजिए अब हम जानते हैं चूंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक यह है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर एक इसका वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स इंटू sec थीटा माइनस ना माइनस tan थीटा बराबर एक इसलिए क्या हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर एक बटे एक्स कह दीजिए समीकरण दो है ना। हम क्या करेंगे समीकरण एक प्लस दो करने पर
है ना। तो समीकरण एक और दो में क्या है, समीकरण एक में आपका दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर एक्स, दो में दिया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर एक बटे एक्स, दोनों को जोड़ देंगे टैन कट जाएगा, नीचे क्या आएगा टू सेक थीटा बराबर एक्स प्लस एक बटा एक्स आएगा। चलिए मैं इसको इधर बनाता हूँ, है ना। चलिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, है ना, और होगा ना सेक थीटा बराबर एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे टू एक्स, ये वाला दू इधर चला गया। अब बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटे बी होता है, एच बटे बी। साइन निकालने के लिए हमें पी चाहिए, हमें क्या चाहिए पी, तो आप बताइए यहाँ पे आपका क्या हो गया एच बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी बराबर टू एक्स, पी बराबर वाट। चलिए पी बराबर निकालिए रूट अंडर एच स्क्वायर ना, एच स्क्वायर ना, तो कितना क्या होल स्क्वायर और माइनस टू एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। चलिए अच्छा है ना, चलिए निकालिए, है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, है ना, और प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर बराबर, ये आएगा एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन माइनस में कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर घट करके, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कट गया, क्या निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, किसका मान निकल गया पी का। अब बताइए है ना, अब आइए साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच होता है ना। चलिए बताइए पी का मान, पी का मान कितना, अभी आपने पी निकाला एक्स स्क्वायर माइनस वन, एच का मान एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया आपका बराबर, बराबर नहीं हुआ प्रूव्ड हुआ है ना, क्या हुआ प्रूव्ड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है ना, हमें दिया गया है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी हो और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू हो तो सिद्ध करें कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू पी। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं, है ना, दिया है क्या दिया है बाबू, है ना, हमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, है ना, और दूसरा दिया है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या दिया गया है Q। चलिए हम लोग आते हैं LHS से, LHS में दिया है क्या आपका Q इंटू पी स्क्वायर माइनस वन। चलिए Q का मान, Q का मान कितना हम पुट कर देते हैं sec थीटा प्लस cosec थीटा, है ना। चलिए P का मान कितना है, P का मान कितना है sin थीटा प्लस cos थीटा और इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस वन, है ना। चलिए sec थीटा प्लस कोसेक थीटा को रहने देते हैं, इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और आपका आगे प्लस में ना प्लस टू ए बिना टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन। अब बताइए इसे हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा प्लस एक बटे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, इसका मान कितना हो गया एक प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, एक से एक कट गया, इसका एलसीएम आप लीजिएगा कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन जाएगा ऊपर साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए गुना में इधर कितना बचा टू गुने, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना दिया है पी दिया है ना, और दो गुना में है तो बराबर कितना आ गया पी गुने दो बराबर टू पी बराबर क्या आपका आ गया आर एच एस। स्टूडेंट्स ध्यान दिया क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया गया है, यदि एक्स कॉस थीटा बराबर ए और बाई इज इक्वल टू क्या दिया ए टैन थीटा, तब सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सबसे पहले जो दिया है हम लोग वहां से चलेंगे, क्या दिया है एक्स कॉस थीटा बराबर ए, तो एक्स बराबर ए बटे कॉस थीटा और इसलिए हम कह सकते हैं एक्स बराबर ए कॉस ऊपर जाएगा बनेगा सेक थीटा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए दूसरा हमें क्या दिया गया है, तथा हमें क्या दिया गया है बाई बराबर क्या दिया गया है ए टैन थीटा,
है ना। अब हम आ जाते हैं जो हमें प्रूफ करना है, एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान आप पुट कीजिए ए सेक थीटा और इसका होल स्क्वायर, माइनस वाई का मान ए टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है बाबू आपका, तो ए स्क्वायर यहाँ पर बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, बराबर आ गया ए स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया आर एच एस, है ना। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।